नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों देख लेते हैं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में न्यू वैकेंसी आई हैं। तो मैं इन वैकेंसियों के बारे में पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये वैकेंसियां हैं संविदा पर। तो ये किसने निकाली हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंट, जो कि नगरीय विकास के द्वारा निकाली गई है। ठीक है, नगरीय विकास नगरीय पंचायत का ये एक समूह है जिसमें कि आप नगर परिषद में जो है वैकेंसी निकाली जाती है, इसमें नगर पालिकाएँ भी सम्मिलित रहेंगी। तो क्या है इसको देख लेते हैं, इसमें आप दिशा निर्देश देख सकते हैं, वहीं इसकी सेवाएं क्या हैं, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं वो भी आप देख लीजिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म 8/10/2021, ठीक है, इसकी तिथि है, ठीक है, कब तक आप भर सकते हैं 27 अक्टूबर तक। तो यहां से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। करना क्या है आपको, सिंपल से सर्च करना है MP ऑनलाइन और DUAD यानी डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। ठीक है, वहीं पर आप इसकी जो पेड कर सकते हैं कब तक, 27/10 इसकी लास्ट डेट रहेगी। आइए मैं डिटेल में बता देता हूँ कि किस प्रकार की वैकेंसियाँ, कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं और क्या उसमें एलिजिबिलिटी रहेगी और उसकी सैलरी भी क्या है। तो पहली बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि ये जो वैकेंसियाँ संविदा पर हैं जैसा कि मैं बता चुका हूँ। वहीं दूसरी बात, इसमें जो सैलरी है वो 30,000 से लेकर 12,000 तक है। तो दो प्रकार के इसमें पद निकाले गए हैं जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये दीनदयाल अंत्योदय योजना है राज्य शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत रखी जाएंगी। तो इसमें होगा क्या इसको देख लेते हैं। तो किस प्रकार से वैकेंसियाँ, तकनीकी विशेषज्ञ रहेंगे जो कि सिटी मिशन मैनेजर रहेंगे, तो ये एक साल के लिए ही है। वहीं दूसरी ओर इसको एक साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, यानी कुल मिलाकर 2 साल के लिए वैकेंसी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और भी होता यह है कि संविदा में जो भी अभी भर्तियां हुई हैं, यदि शासन द्वारा निकाली गई हैं तो उनको निकाला नहीं गया है, तो इसको सिक्योर फील कर सकते हैं। संविदा के जो नियम हैं उसकी वीडियो में मैंने डाल रखी है, उसे भी आप जरूर देखिए। देख लेते हैं वैकेंसियाँ। तो 69 वैकेंसियाँ हैं किसके लिए, तकनीकी विशेषज्ञ के लिए, ठीक है, जिसमें 18 जनरल की, SC के लिए 16%, ST के लिए 20, वहीं OBC के लिए 27% के साथ 19, EWS के लिए वैकेंसियाँ भी रखी गई हैं भैया 10% हैं, जो कि 70% लगभग 7% रखी गई हैं। तो टोटल 69 वैकेंसी हैं, ठीक है। वो वहीं देख लेते हैं, 460 वैकेंसियाँ हैं सामुदायिक संगठन के लिए, जिसमें 124 जनरल की, 74 SC, 92 ST, 124 OBC और EWS की 46 वैकेंसी रखी गई, ठीक है। तो क्या क्या है वैकेंसियाँ जो मैंने बता दिया है, वहीं इनकी जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, उसको आप देख लीजिए। तो मास्टर ऑफ सोशल वर्क होना चाहिए, यानी मास्टर आपकी ज़रूरी होनी चाहिए, MSW, साथ में MA, ठीक है, अर्थशास्त्र समाजशास्त्र हो या फिर MBA हो आपका, साथ में आपके साथ होना चाहिए कंप्यूटर का DCA PGD से ज़रूरी है, ठीक है, तो ये तो होना आवश्यक है। सामुदायिक संगठन यदि किसी ने किया है तो उसमें होगा क्या, कंप्यूटर में DC PGDCA आपका बैचलर डिग्री के साथ होना चाहिए। तो जो सामुदायिक संगठन रहेंगे उनका काम भी इसी प्रकार का रहेगा। सामुदायिक संगठन की सैलरी 12,000 है, तकनीकी विशेषज्ञ की 30,000, ठीक है। वहीं पर देख लीजिए, आप सैलरी के बारे में बता चुका हूँ। आयु सीमा क्या है, 21 से 35 वर्ष के लिए, वहीं जो रिलैक्सेशन है वो दिए जाएंगे नियमानुसार। आयु की गणना 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। आवेदन भरने के लिए सावधानी जरूर रखें, किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, क्या क्या जानकारी बननी है उसके बारे में भी जानकारी आपको है। तो समस्त प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंतिम तिथि से जरूर आप जमा कर दीजिए, फीस भी 27 अक्टूबर तक जमा कर दीजिए। पद के लिए निर्भरता, यानी यदि आप अनफेयर मीन्स यूज़ करते हैं तो 2 माह तक आपको लंबित रखा जाएगा, साथ में वर्जित भी किया जा सकता है, ठीक है, और जेल भी हो सकती है। तो आइए देख लेते हैं दस्तावेज का क्या परीक्षण है। तो दस्तावेज का परीक्षण सत्यापन होगा, जैसे कि आपका सिलेक्शन हो जाता है उस टाइम आपको डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा, जहाँ भी नगर परिषद आपको दी जाएगी वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। वहीं देख लीजिए कि और क्या क्या जरूरी है। तो अभ्यर्थी सिटी मिशन मैनेजर या सामुदायिक संगठन के पदों के लिए अलग अलग या दोनों एक साथ आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, दोनों पदों हेतु एक साथ आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक पद पर चयनित होने पर वो आपका निर्णय है कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है, वहीं डायरेक्टरेट द्वारा भी ये निर्णय दिया जा सकता है, ठीक है। तो होगा ये कि आप जो सामुदायिक संगठन के अलग अलग पद हैं उसकी जो रहेगा आप सिक्वेंस में उसको फिल कर सकते हैं, कौन सी सिटी में आपको प्रेफरेंस चाहिए,
ठीक है, समस्त पदों पर ऑनलाइन प्रक्रिया है, एक साल के लिए और एक साल के लिए प्लस इसका एक्सटेंशन मिल जाएगा। चयन उपरांत जो भी आपको नगर पालिका या नगर निकाय दिया जाएगा उसके साथ आपको क्या करना है, बॉन्ड करना है एक साल के लिए, ठीक है। वहीं और क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो परीक्षा इसकी ली जाएगी जो कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और सतना में की जाएगी। परीक्षा केंद्र में परिवर्तन केवल डायरेक्टरेट का ही अधिकार रहेगा। किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। वहीं ऑनलाइन परीक्षा होगी, सभी को समान अंक दिए जाएंगे। अब अंक तो मिल जाएंगे, लेकिन अब इन केस किसी कैंडिडेट के नंबर बराबर आ जाते हैं तो किस प्रकार से उनका सिलेक्शन होगा, तो जो जिसकी भी आयु अधिक होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं परीक्षा का क्या सिलेबस है, तो 65 अंक जो रहेंगे विषय से संबंधित रहेंगे, 15 अंक कंप्यूटर के और शेष 20 अंक जो रहेंगे आपके एनालिटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, ग्रामर, कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन और 100 अंक रहेंगे, ठीक है। अभी तक नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं दी गई, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है पूरी वैकेंसी निकाली गई, आप साइट पर जाइए, उसके लिए अप्लाई कर दीजिए तय समय सीमा पर, ठीक है। आप सभी का चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हैं पूछ सकते हैं।